हामिद में घर में सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह आज जनूल हामिद में घर में अरे जिक्र सनवर सजाए हुए जिक्र सरवर सजाए हुए जिक्र सरवर सजाए हुए हैं आज जैनुल हामिद ने घर में जिक्र सरवर सजाए हुए हैं जिक्र सरवर सजाए हुए हैं आज सच यही है कि सोया मोपा सच यही है कि सोया मोपा नारे तकबीर नारे रिसालत बस लगे आला हजरत बस लगे आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत जो इमाम साहब को नवाजते हैं सबको नवाजते हैं भी शुक्र अपने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि सच यही है कि सोया मुकद्दर बिल यकीन जगमगाए हुए हैं बिल यकीन जगमगाए हुए के उनकी यादों से महफिल सजाओ जब जाने वाला चला जाता है उसके लिए क्या करेंगे बस कभी कुरान खानी करिए कभी मिलाद खानी कभी फातिहा खानी ये सब एहतमाम करते रहे और हमारे कलाम को बुलाते रहे जहां आलम दीन की आमद होती है और जिस महफिल पाक में औलमा की कसरत होती है का बादल बरसता है और सामईन जब उलमा के चेहरे देखते हैं तो उन्हें भी सवाब मिलता है कि उनकी यादों से महफिल सजाओ और हर किस नासु बहाओ और हर किस नासु बहाओ सुभान अल्लाह बहुत हो वाह वाह ये हमारे इमाम साहब सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारा लगाइए ठने पर लगाइए नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदाबाद वाले अहले सुन्नत नौजवानों ने पूरा था सुभान अल्लाह सुभान कब्र में उनको प्यारे कब्र में उनको प्यारे नबी जी अपना जलवा दिखाए हुए हैं अपना जलवा दिखाए हुए हैं और जब कोई
बेटा अपने बाप के लिए महफिल पाक का एहतमाम करता है तो कसम खुदा की उसकी बख्शाइश हो जाती है। वो सवाल करें और उनके बेटे बचल जाएंगे इस शोर में और मजमे के सारे लोग बचल जाएंगे कि उनके बेटों ने जलसा। सुभान अल्लाह बहुत हो हजरत उनके बेटों ने महफिल सजाया उनके बेटों ने जलसा सजाया और इन आलिमों को बुलाया बेशक बेशक इन आलिमों को बस आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। मेहमान आए हुए हैं, बस ये
हुआ, इसलिए इनकी महफिल है क्या प्यारी प्यारी, उनकी महफिल है ये प्यारी प्यारी, उनकी महफिल है ये प्यारी प्यारी, लग रही है रंग की प्यारी, लग रही है रंग की प्यारी, प्यारे नबी का करा के।